नमस्कार, आप सभी का जनता का राज में बहुत बहुत स्वागत है। हम बुंदेलखंड की कश्मीर कहे जाने वाले चरखारी में हैं। चरखारी में इन दिनों मेले की धूमधाम चल रही है और हम गोवर्धन महाराज जी के मंदिर में आए हुए हैं। श्रद्धालु लगातार मंदिर के दर्शन कर रहे हैं, मेला भी देख रहे हैं और हम पुजारी जी से जानेंगे कि क्या मेले का इतिहास है और मंदिर श्रद्धालु कितने लोग दर्शन करने के लिए आते हैं और इस मेले का कितना पुराना इतिहास है। तो महाराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता का राज में। भैया आपको नमस्कार जी। आप अपना नाम बता दीजिए। हमारा नाम देवेंद्र गुरुदेव है। देवेंद्र गुरुदेव जी, जी। महाराज गुरुदेव जी, जैसे आप पुजारी जी हैं महाराज, तो आपकी जैसे जानकारी में हो कितना पुराना मेला है और आपको कुछ इसके बारे में हमारे दर्शकों को बता सकें। जी 1883 से लगना प्रारंभ हुआ है। 1883 से ये महाराज मलखान सिंह जो यहाँ के राजा थे उनके द्वारा इस मेले को लगवाया गया। उसमें इस मेले में कृष्णोपासक थे। अच्छा जी। इसलिए उन्होंने कृष्णोपासक होने के कारण उनकी भावना थी भगवान कृष्ण की, तो उन्होंने यहाँ पर मंदिरों का निर्माण करवाया और मेले का आरंभ कराया। मेले का आरंभ कराया तो ये मुख्य पर्व इसका कार्तिक की एकादशी से देवोत्तनी एकादशी को हुआ करता है। ये दीपावली की प्रतिस्पर्धा से प्रारंभ होकर के एक महीने तक ये मेला संपादित होता है। देवउठनी एकादशी से। देवउठनी एकादशी का मुख्य पर्व है। मुख्य पर्व है जी, जिसे अपनी भाषा में बुंदेलखंडी में ग्यास भी कहते हैं। ग्यास कहते हैं। ग्यास से मुख्य पर्व माना गया। ग्यास परिक्रमा करने के लिए यहाँ जैसे अभी हम लोग लेट आए हैं और जैसे ही ग्यास का समय रहता है उस समय कतक्यारी और अपने बुंदेलखंड में मौनिया देवारी ये बहुत लोग रहते हैं उस समय, तो उनका भी थोड़ा सा जिक्र कर दीजिए। कैसे कतक्यारियों की संख्या कैसे क्या ऐसा है? कतक्यारों की बेटा नीचे कतक्यारियों की संख्या तो ऐसा है कि जैसे जिस वर्ष अपना ये अधिक मास पड़ता है उस वर्ष कतक्यारियों की मात्रा अधिक हो जाएगी और वैसे तो कतक्यारियाँ होती हैं लेकिन उस बार ज़्यादा स्नान करते हैं क्योंकि अधिक मास होने के कारण पुण्य पर्व ज़्यादा मानती हैं। इसलिए वैसे तो हजारों की तादाद में आती ही हैं कतक्यारियाँ और वही कोई उसी तरह से मौनियाँ भी पर्व को परिक्रमा करने के लिए आती हैं। भक्तों को और जनसंख्या जैसे लोग आते हैं श्रद्धालु, कैसा उत्साह लग रहा है महाराज? 2 साल कोरोना काल रहा, मेला नहीं लग पाया है, तो इस साल कैसे भीड़ आ रही है? इस साल बहुत बढ़िया भीड़ आ रही है। आदमी कोरोना से मुक्ति महसूस कर रहा है, इसलिए दर्शन करने के लिए, घूमने के लिए अपने बच्चों को लग रहा है। मेला में बाजार में सामग्री खरीद रहे हैं, ये सब कुछ चल रहा है। आपको बता दें कि चरखारी के लिए 2 लाइनें कही गई कि चरखारी इतनी भई भीड़ भारी, वृंदावन भाई चरखारी। तो महाराज कैसे वृंदावन, मतलब कुछ इसके बारे ऐसा है यहाँ पर जैसे वृंदावन में 108 मंदिर हैं जी, वैसे ही महाराज मलखान सिंह के समय पे यहाँ पर 108 मंदिरों का निर्माण हुआ उनकी के समकालीन। तो ये पूरे मंदिर 108 मंदिर यहाँ पर विराजमान होते हैं। 108 मंदिर विराजमान होते हैं, उसी की परिक्रमा की जाती है कार्तिक के महीने में। बहुत अच्छी जानकारी। इसलिए इसको वृंदावन भाई चरखारी 108 मंदिरों की सारे श्रद्धालु परिक्रमा लगाते हैं और उनकी मनोकामना पूरी, उनकी मनोकामना पूर्ति आस्था से सभी आते हैं। अब मेले का समापन कौन सी तारीख को हो रहा है? अब मेले का समापन वैसे तो 26 तारीख को ही होगा। 26 तारीख लेकिन अब देखो नगर पालिका वाले इसकी जानकारी देंगे। जी जी बिल्कुल, उन्हीं की चूँकि वही कराते हैं। तो हमारे साथ पुजारी जी थी, बहुत अच्छी जानकारी दी और यहाँ पर कुछ भक्त हैं जो बात करना चाहें उनसे भी बात कर लेंगे। हम लोग अभी फर्स्ट टाइम आए। कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है। मंदिर में हमेशा अच्छा लगता है। माइक का थोड़ा सा। अच्छा, मंदिर में हमेशा अच्छा, लेकिन मेला कैसा क्या आपको लगा? मेला अभी देख रहे हैं, हम अभी आए हैं डायरेक्ट पहले मंदिर के दर्शन करेंगे। कहाँ से हैं आप? कहाँ से? हम महोबा से, प्रॉपर महोबा से हैं। तो जैसे मेले में कोरोना काल के बाद मेला लग रहा है, लोग आ रहे हैं, तो एक बार पहले नाम तो बता दीजिए आप। मेरा नाम है राहुल अहरवाल, सन ऑफ मिस्टर खेमचंद। तो लगातार बचपन से आ रहे हैं कि पहली बार मेला? नहीं, मेरा फर्स्ट टाइम है यहाँ का मेला। महुआ में लगता है कजली मेला, वही देखता था कजली मेला। कजली मेले के बाद ही चरखारी के मेले, गोवर्धन मेले का नाम आता है। बहुत पुराना मेला है। तो हमारे साथ राहुल अहरवार थे। चरखारी के मेले के लिए एक चीज़ और बोली जाती है, हिन्नी हिन्नी घोड़ा और चरखारी का मेला। तो ये मेला बहुत प्रसिद्ध है और आप अगर आ रहे हैं चरखारी तो मेला, गोवर्धन जी महाराज का मेला जरूर देख कर जाएँ। कैसी लगी आपको हमारे मेले की जानकारी ज़रूर आप बताएं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दें, बेल आइकन दबा दें। बहुत बहुत धन्यवाद।